मैं मोहन शर्मा आज आप लोग के सामने मैं मुखातिब हो रहा हूँ। जो आज जो मारन वायरस हमारे देश में, हमारे बंगाल में आई हुई है कोरोना वायरस, इसके संबंध में दो चार बात मैं आप लोग से मेरा जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आज हमारी सरकार ने कोरोना वायरस के लिए जो लॉकडाउन का व्यवस्था किया है, जो घर पे रहने का 27 तारीख तक जो हमको घर पे रहने के लिए जो आदेश व जो निर्देश दिया गया, ये हम लोग को सभी को पालन करना होगा। हम लोग पालन करके ही, इसको पालन करके ही हम लोग इस रोग से आगामी दिन में हम लोग निजात पा पाएंगे। यहाँ तक कि हम लोग भारत को चीन, इटली, फ्रांस ये होने नहीं देंगे। ये आपका हाथ में है, हमारा हाथ में है। हम लोग सभी मिलके अपना अपना घर पे रहें, हम लोग उसका पालन करें, साथ में हमारे जो और आस के आस पड़ोस के जो हमारे साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, अपने लोग हैं, उनको भी समझा के उनको भी घर पे रहने के लिए आप लोग व्यवस्था करेंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है सबसे। आइए हम सब मिलकर ये जो कोरोना वायरस है इससे हम लोग निजात पाएँ। साथ ही मैं विशेषकर चाय श्रमिक के संतान होने के नाते मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा, ये आपदा की घड़ी है, ये दुख की घड़ी है। इसमें हम सबको मिलकर राजनीति न करते हुए, राजनीति बाद की बात है, हम लोग जिंदा रहेंगे फिर राजनीति, हम लोग सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सभी राजनीतिक दल मिलकर आज हमको इस जो मारण रोग से हमको लड़ाई करना होगा। और हमको विश्वास है हमारा देश का जनता, हमारी बंगाल की जनता, हम लोग एक होकर हम लोग लड़ेंगे तो ज़रूर हम लोग का जीत हमारा ही होगा। आगामी दिन में एक कोरोना वायरस को हम लोग हरा पाएंगे। आज एक दुख भी हुआ, एक तकलीफ लगा, हमारे जो स्थानीय सांसद हैं उनके जो वक्तव्य मैंने सोशल मीडिया में देखा कि उन्होंने राज्य सरकार को दोष देकर राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया ये बोलकर आदमी को भड़काने का, जनता को भड़काने का कोशिश किया। मैं इस बारे में आपको बोलना चाहूँगा, वो उनको जानकारी नहीं है। कल जो सर्वदलीय बैठक हुआ था वो बैठक में उनके दल के प्रतिनिधि ने भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री, मानवता के प्रतीक हमारी ममता बनर्जी के समर्थन में उनके कार्य को सराहना की है, ये उनको नहीं मालूम है। और एक बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, आज चाय क्षेत्र की समस्या का संपूर्ण समाधान श्रम आइन के तहत 80% समस्या का समाधान केंद्रीय सरकार को करना होगा। मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया, केंद्रीय सरकार ने कितना रुपया, कितना फंड हमारे इस राज्य के लिए दिया, एक कोरोना जो पीड़ित है इनके लिए दिया, हमारी चाय क्षेत्र के लिए क्या किया। मैं तो एक एक करके गिनाऊँ तो नाम पूरा नहीं होगा। हमारी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने चाय क्षेत्र के लिए क्या किया ये सभी जनता जानते हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा, आइए अभी राजनीति नहीं, अभी समझदारी का समय है। वो समझदारी करके हम सब मिलकर ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस से हम लोग मिलकर लड़ाई करें। हम लोग जिंदा रहेंगे, हम लोग जनता को जिंदा रख पाएंगे, हमारी जनता जिंदा रहेगी, हमारी चाय श्रमिक मजदूर स्वस्थ सुस्त रहेंगे, तभी हम लोग आगामी दिन में राजनीति कर पाएंगे, हम लोग यूनियनबाजी कर पाएंगे। उनसे आग्रह करता हूँ राजनीति न करें, अभी हमको मिलके इस लड़ाई से लड़ना है। यही मैं उनसे आह्वान करता हूँ। सभी हमारे श्रमिक भाइयों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, आइए समझदारी दिखाते हुए हम लोग इस बारे में हम लोग आगे बढ़े। हमारी यूनियन की ओर से, चाहे बगान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन की ओर से, हमने राज्य सरकार को हमारे माननीय DM साहब की मार्फत हमने चिट्ठी की है, माने आगामी दिन में हमारे चाय श्रमिकों को असुविधा का सम्मुखीन होना पड़ेगा, इसके लिए राज्य सरकार सोचे, इसके लिए राज्य सरकार कुछ कार्रवाई करे। और हमको ये विश्वास है हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री है वो जरूर जरूर से जरूर, हमको विश्वास है वो चाय श्रमिकों के लिए कुछ न कुछ आगामी दिन में घोषणा करेगी। आइए हम सब मिलकर लड़ाई करें। सबको मेरा ओर से नमस्कार, सब स्वस्थ रहिए, सब सुखी रहिए, सब शांति में रहिए, मैं यही कामना करता हूँ, आप सबके सुस्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके चैनल वॉइस, आपकी आवाज़।